आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.2। पिछला क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या बताया गया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इस पर कवर्ड सरफेस एरिया गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द बेस दी गई 0.7 और हमें हाइट ऑफ द सेंटर पॉइंट चाहिए। तो मैं हाइट को सिलेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, लेट एच बी द हाइट ऑफ द सेंटर। सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, जैसे ये सपोज की एच रेडियस ऑफ द बेस किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द बेस आर से नोट करो, ये गिवन है हमारे पास कितना है 0.7 मीटर। मीटर के इक्वल है व्हिच इंप्लाइज दैट कवर्ड सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, कवर्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या है 2πRh। कवर्ड सरफेस एरिया सेंटर 2πRh फॉर्मूला अप्लाई किया व्हिच इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू यूज करो यहां पे गिवन बेस मतलब 22/7 यूज करनी है इनटू आर कितना 0.7 इनटू एच का एच है सो इसकी वैल्यू क्या आती है 7 से इसको कैंसिल किया ये 0.1 2 इनटू 44 इनटू 0.1 आता है 4.4 एच मीटर स्क्वायर। ये निकला हमारे पास कवर सरफेस एरिया, बट गिवन कवर सरफेस एरिया क्या है, गिवन कवर सरफेस एरिया इसका जो है वो इसके बराबर है 4.4 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास गिवन यहां है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका मतलब क्लियर 4.4 h = 4.4 h इंप्लाइज दैट h की वैल्यू किसके बराबर आएगी 4.4 इसको तो साइन लेके 1 2 तो क्लियर 4 h का हाइट हाइट ऑफ द सेंडर कितनी निकली इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्या होगी सेंडर की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 6 हो गए 7 और 8 की दोनों सेम क्वेश्चन है। मैं 8 को आता हूं 7 का आपको देखो इसमें कवर सरफेस एरिया फाइंड करना और जो एरिया होगा उसको इस रेट से डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ कॉस्ट को फाइंड करने 8 में सॉल्व करता हूं। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 cm long एक pipe है 28 meter long एक pipe है diameter इसका 5 cm दिया गया है। हमें total radiating surface of the system find करना है। total radiating system कौन सा होगा, cold surface इस तरह से cylindrical shape में वो दी गई है radiating ये heating system में भी ये जो वो rod इसकी सिलेंडर शेप में इसका टोटल रेडिएटिंग हमें फाइंड करना है। सरफेस 28 मीटर की लेंथ है और 5 सेंटीमीटर इसकी इसका डायमीटर दिया गया है। इसे जो रेडिएटिंग सरफेस है वो कौन से सर कवर सरफेस ये वाले तो आए ना सर्कुलर बेस से लगे हुए, बाकी जो रेडिएशन ये जो जल रहा है वो कौन सा है इसका कवर सरफेस है, इसके कवर सरफेस एरिया ही फाइंड करना है हमने। इसमें देखो लेंथ को हम हाइट कंसिडर करेंगे, इनके सब सिलेंडर की लेंथ दी गई होगी तो उसको हम क्या लेंगे हाइट में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इसको एच से नोट करो कितनी है 28 मीटर्स के इक्वल दी गई है 28 मीटर्स इसकी लेंथ है। डायमीटर ऑफ द पाइप इट्स डायमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये मीटर्स में लेंथ और इसका डायमीटर सेंटीमीटर इसको भी हम मीटर्स में ही चेंज करते हैं तो व्हिच इज इक्वल टू व्हिच इंप्लाइज दैट इट्स रेडियस किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। ये इसको मीटर्स में चेंज करना था 5/2 तो
सौ सेंटीमीटर को डिवाइड करें 100 से मीटर्स में चेंज करें, अगर 100 सेंटीमीटर चेंज मीटर होता है तो जब भी सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करो डिवाइड बाई 100 कर दो, ये आ जाएगा किसके बराबर 5/200 मीटर्स, ये इनका इसका रेडियस। तो हमने फाइंड किया करें टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ सिस्टम, देयरफॉर टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम किसके बराबर आ जाएगा इसी पर जो इसका कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल रेडिएटिंग सरफेस हमने ये बताया फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सिस्टम, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर आएगा इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2πr(r+h) विच इज इक्वल टू 2 × π/7 r इज इक्वल टू इसके बराबर है 5/200 r+h 5/200+28 इसको सॉल्व करके ये खुद कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लो, मीटर से जो भी आएगा वो होगा आपके टोटल रेडिएटिंग सरफेस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है, लेटर और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर है, जो कवर्ड सरफेस एरिया दिया गया है फाइंड करना है इस क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, पेट्रोल स्टोरेज टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसमें 4.2 मीटर का डायमीटर दिया गया है, 4.5 मीटर की हाइट दी गई है, हम इसका फर्स्ट क्वार्ट में कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है और सेकेंड क्वार्ट में क्या फाइंड करना है इसमें हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग टैंक, इस टैंक को बनाने के लिए टोटल कितनी स्टील यूज हुई, ये बनाएगी 1/12 पार्ट जो स्टील को वो वेस्ट हुई हुआ इसको बनाने के लिए, तो ये भी हमें फाइंड करना है। तो पहले पार्ट के इसका सी एस सी निकालते हैं तो और सरफेस एरिया फाइंड करना हमें, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले इसमें हमारे पास डायमीटर क्या दिया गया, डायमीटर तो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक डायमीटर ऑफ द टैंक इसके बराबर है इज इक्वल टू 4.2 मीटर विच इंप्लाइज दैट इट्स रेडियस इसके बराबर आएगा रेडियस इज इक्वल टू 4.2/2 मीटर्स विच इज इक्वल टू 2.1 मीटर इसका रेडियस आया टैंक का, और रेडियस के बाद इसकी हाइट दी गई है, हाइट किसके बराबर है, हाइट एच किसके बराबर दी गई है 4.5 मीटर्स इसकी हाइट गिवन है, तो देयरफॉर कवर्ड सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πr h, इसका फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 2π/7 r इज 2.1 एंड h इज 4.5, यहाँ से 7 × 21 0.3 ये किसके बराबर आता है, इसको 44 × 0.3 इंटू 4.5 इसको पूरा टोटल मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आएगा ये 59.4 मीटर स्क्वायर, 59.4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, जो भी स्टोरेज टैंक है इसका हमने बताना कितनी स्टील इसमें यूज करने के लिए और 1/12 पार्ट ऑफ टोटल स्टील जो हो वेस्ट भी हुआ इसमें बनाने के लिए, तो इसकी सरफेस आप एक तो कवर सरफेस है और इसकी सर्कुलर एंड सरफेस है, सर्कुलर ज्वाइंट है इन पे भी सरफेस है, तो
ये फाइंड करते हैं स्क्रीन कितनी यूज हुई है इसके लिए देखो इसका टोटल सरफेस एरिया पहले फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा तो स्टील इस कैलकुलेट में भी है वेस्टेज इसमें 1/12 हुई है टोटल स्टील कितनी यूज हुई थी टोटल सरफेस एरिया क्या है टोटल सरफेस एरिया टैंक किसके बराबर आएगा 2πr इंटू आर प्लस एच ये देखो फॉर्मूला 2 इंटू पाई दिया 22/7 आर इज इक्वल टू 2.1 इंटू आर प्लस एच 2.1 प्लस एच इज 4.5 ये आ जाएगा किसके बराबर 7 से ये गया 0.3 तो 22 44 44 इंटू 3 किसके बराबर आता है 44 इसको मल्टीप्लाई करके आया 13.2 इंटू ये किसके बराबर आता है 4.5 इंटू 2.1 किसके बराबर आएगा ये आएगा 6.6 और इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करके आता है किसके बराबर 87.12 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया इसका टैंक ऊपर से बता देता हूँ अब इसने शीट जो टोटल शीट यूज हुई उसको 1/12 पार्ट देखती हुई इसको बनाने के लिए टोटल शीट कितनी यूज हुई लेट द टोटल शीट यूज मैं लेट करता हूँ एक्स फिर लेट टोटल एरिया स्टील यूज इन मेकिंग टैंक लेट द एरिया स्टील used in making the tank with x meter square area of steel जो used की इसको बनाने के लिए वो कितनी हमने लेट की x meter square इसको हमने लेट किया तो वेस्ट कितनी हुई इसमें से स्टील जो वेस्ट हुई वो कितनी 1/12 हुई है स्टील वेस्ट इन मेकिंग टैंक स्टील वेस्टेड इन मेकिंग टैंक को बनाने के लिए जो वेस्ट हुई स्टील की वो क्या है 1/12 था एक्स विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12 आप कौन सी क्या है इसको हम लिख सकते हैं 1/12 इंटू एक्स एक्स अपॉन 12 मीटर स्क्वायर इतनी स्टील जो है वेस्ट हुई है तो इसका मतलब क्या आएगा स्टील एक्चुअली यूज इन मेकिंग द टैंक इस तरह होता है actually used in making the tank पे जो एक्चुअल में लगी थी वो किस तरह होगी ये है एरिया ऑफ स्टील जो हमने लाई ये वेस्टेज तो एक्चुअल में जो टैंक के ऊपर लगी वो कितनी स्टील है वो है x माइनस x अपॉन 12 x से जब रहता है 12x + x 11/12x या 11x/12 which is equal to 11x/12 इतनी स्टील इसमें बनाने में वेज हुई तो बट टोटल स्टील यूज कितनी है टोटल स्टील यूज किसके बराबर आया है इससे टोटल सरफेस एरिया जो है दैट इज 87.12 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आती है तो देयरफॉर मैंने लिखा 11/12x = 87.12 के बराबर इंप्लाइज दैट x = 87.12 इनटू 11/12 को सॉल्व करके 12/11 इस तरह से टोटल कर दो तो ये किसके बराबर आ जाएगा इसको कैलकुलेट करना आपको कैलकुलेट करके x की वैल्यू क्या आएगी 95.04 मीटर 95.04 मीटर स्क्वायर इसका मतलब क्या
एरिया ऑफ स्टील यूज्ड, एरिया ऑफ द स्टील यूज्ड इज इक्वल टू 95.4 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन है 10 11 में से एक सॉल्व हुआ था। 10 आप खुद ही देखो इसका और सरफेस एरिया निकालना है एम शेप का। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो मैं सॉल्व करता हूं। इसमें क्या स्टूडेंट्स आपका विद्या वर्क्स टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर्स, इनको बनाने हैं डेकोरेटिव पेन होल्डर्स बनाने हैं किस शेप में होने चाहिए, सेंटर की शेप में विद अ बेस और उसको बेस के अंदर बनानी है। तो बेस की बात है ऊपर ऊपर वाले इनके सर्कुलर सरफेस खाली रहेगा, नीचे वाली इनकी बेसिस सरफेस सेंटर की शेप में पेन होल्डर्स बनाने हैं डेकोरेटिव पेन होल्डर्स। इसमें बेस रहेगी इसी ये सर्कुलर बेस होगी ऊपर से खाली होगा इस शेप पेन होल्डर बनाने हैं यूजिंग डॉट बोर्ड के यूज करके। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस रहेगा, हाइट 10.5 सेंटीमीटर रहेगी। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद डॉट बोर्ड, कॉम्पिटिटर्स को जितने बनाए उनको डॉट बोर्ड सप्लाई करने उन्होंने वो मच डॉट बोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू ब्रॉड फॉर द कॉम्पिटिशन। टोटल कंपटीटर्स कितने 35 लोगों ने बनाने हैं। तो टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज होगा कितना उनको लाना पड़ेगा वो हम निकालेंगे। देखो ये कितना आएगा, देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ पेन होल्डर क्वेश्चन नंबर 11, रेडियस ऑफ द पेन होल्डर किसके बराबर है, रेडियस कितना दिया गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है। उसके बाद हाइट कितनी दी गई है 10.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पेन होल्डर, हाइट ऑफ द पेन होल्डर 10.5 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। उसके बाद एरिया ऑफ कार्डबोर्ड used in making pen holder, area of card board used in making holder is equal to किसके बराबर आएगा area, ये area होगा CSA of pen holder plus area of base of pen holder, ये cover surface plus area of base equal to CSA of holder plus area of the base of holder which is equal to ये किसके बराबर होगा CSA shape spanning करें 2 pi r h और area of base क्या है base circle के लिए आएगा pi r is equal to 2 into pi is equal to 0.7, r कितना है 3 और h कितना है 10.5 प्लस आगे pi r स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा। या इसमें पहले इसी को सिंपलीफाई करो कॉमन क्या निकलेगा pi r कॉमन निकाले पीछे क्या बचेगा 2 h प्लस यहां से क्या बचेगा r पाई की एक ही बार वैल्यू यूज कर दें तो 0.7 इनटू आर की जगह मैं लिखूंगा 3 2 इनटू एच इज 10.5 प्लस आर इज 3 ये आ जाएगा 20/7 इनटू 3 तो ये 2 इनटू 10.5 किसके बराबर आता है 10.5 इनटू 2 दैट इज ये आएगा 21 24 के बाद इसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ जाएगी 20/3 × 24 इसको चलो बाद में सॉल्व करते हैं। ये आया टोटल कार्डबोर्ड ले कंपटीटर यूज करेगा, नंबर ऑफ कंपटीटर्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कंपटीटर्स इज इक्वल टू 35 टोटल नंबर ऑफ कंपटीटर्स है हमने निकाला है टोटल कार्ड
किसके बराबर आएगा, 35 मीटर। ये जी एक और रोड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 22/7 × 3 × 24। इसको करो सॉल्व, 7 × 5 = 35, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 20 × 3 × 24। इसको मल्टीप्लाई करो टोटल कितना आएगा, 7920 विच इज इक्वल टू 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया आंसर। ये टोटल कार्डबोर्ड यूज हो गया, इतना कार्डबोर्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कंप्लीट इसको तैयार है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वो हम कल स्टार्ट करेंगे।